नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप अपने घरों पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये एक टॉपिक जनरली हमें बहुत कंफ्यूज करने वाला है। हमारे पास फोर वर्ड्स हैं, स्मॉल, लिटिल, शॉर्ट एंड टाइनी। इन फोर वर्ड्स सबका मीनिंग छोटा होता है, लेकिन किस वर्ड को किस सेंस में यूज़ करना है, यहाँ पर हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन आज है आपके सामने। स्मॉल जो वर्ड है उसे हम स्ट्रक्चर या साइज के सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे किसी घर का साइज अगर छोटा है तो हम उसके लिए क्या कहेंगे, अ स्मॉल हाउस। और किसी भी क्लोथ का साइज अगर छोटा होगा तो भी हम स्मॉल वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें किसी की एज के बारे में बताना है कि किसी की एज बहुत कम है, कोई यंग इन एज है, तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, लिटिल। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, लूसी वॉज अ लिटिल गर्ल। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। हम लिटिल को अनकाउंटेबल नाउन का अगर स्मॉल अमाउंट है इस सेंस में भी यूज़ करते हैं। जैसे हम मनी को एक अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर करते हैं, इसीलिए हम यूज़ करेंगे आई हैव लिटिल मनी। नेक्स्ट वर्ड हमने लिया है शॉर्ट। शॉर्ट को ना तो हम यंग इन एज की सेंस में यूज़ करते हैं, ना स्मॉल अमाउंट की सेंस में, और ना ही स्ट्रक्चर या साइज के सेंस में। तो फिर हम शॉर्ट को किस सेंस में यूज़ करते हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं हाइट हो, लेंथ हो या टाइम हो। टाइम की ड्यूरेशन हमें दी हुई है, कोई काम कम टाइम में पूरा हो जाता है, कोई जो मूवी है वो बहुत ही शॉर्ट है तो उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे, इट वॉज अ शॉर्ट मूवी, आई वॉच अ शॉर्ट मूवी यस्टरडे। या फिर हमारे पास किसी की हाइट या लेंथ कम है तो हम क्या लगाएंगे, शॉर्ट हेयर। और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जिसका मीनिंग होता है छोटा, वो है टाइनी। तो टाइनी को किस सेंस में यूज़ करते हैं, वेरी स्मॉल है इसका मीनिंग भी, द बेबी हैज़ टाइनी फिंगर्स। जो बेबी है उसकी बहुत छोटी छोटी उंगलियां हैं, वेरी स्मॉल इन साइज, तो उसके लिए हम टाइनी वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इन चारों वर्ड्स का जो डिफरेंस है वो अब क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो वेरी मच।